बड़सर भाजपा मंडल इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बड़सर भाजपा मंडलाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने की। कुलदीप ठाकुर ने बताया कि बालकृष्ण को बूथ नंबर 25 भोटा का बूथ प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि विनोद कतना को भोटा शहरी इकाई का दूसरी बार अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर नवनियुक्त भोटा शहरी इकाई अध्यक्ष विनोद कतना ने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें दूसरी बार शहरी इकाई अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है, जिसको लेकर वे प्रदेश भाजपा का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें जो भी कार्यभार सौंपा जाएगा उसका बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। विनोद कतना ने कहा कि वे शुरू से ही भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, इस कारण उन्हें दूसरी बार शहरी इकाई अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं दूसरी बार शहरी इकाई अध्यक्ष के पद पर नवनियुक्त विनोद कतना ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा का तहे दिल से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें जो भी कार्यभार सौंपा जाएगा उसका बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। बड़सर भाजपा मंडल की तरफ से मुझे फिर भाजपा शहरी इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि दूसरी बार। पहले आज से 3 साल पहले मेरे को बनाया गया था और मैंने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से सभी को एकजुट करके अपना इलेक्शन में भारी बहुमत से अनुराग जी को यहाँ से जिताया, जबकि पहले बीजेपी का यहाँ 25 वोट प्लस था और जब अनुराग जी के लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब 300 प्लस वोट यहाँ से गए हैं। तो इससे मैं अपने नगर पंचायत भोटा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया है और मुझे इस योग्य समझा है, और भाजपा प्रदेश की तरफ से मुझे भाजपा शहरी इकाई का पद मिला है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा और सभी को एकजुट करके आगे बढ़ूंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और पवन राणा जी संगठन मंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी, अनुराग जी व बड़सर मंडल जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।